स्वागत है साथियों इंडियन एसएचजी चैनल पर फिर से एक नई जानकारी के साथ में, जिसमें आज हम लोकोस एप्लीकेशन में स्व सहायता समूह का सीसीएल अकाउंट ऐड करना सीखेंगे। जी हाँ, हमें अब यहाँ पर सीसीएल अकाउंट भी ऐड करना है, क्योंकि अब आगे जो हमें काम आने वाला है माई मीटिंग में जाकर के, हमें अब समूह की बैठक की जानकारी भी यहाँ पर हमें भरनी होगी। इसलिए हमें अब यहाँ पर जो है कि माई मीटिंग में सीसीएल अकाउंट की भी आवश्यकता आगे पड़ेगी। तो हम यहाँ पर माई मीटिंग में जब जाएंगे तो मेंबर जो सेविंग कर रहे हैं उसकी यहाँ पर हमें जानकारी भरनी होगी, और साथ ही साथ सेविंग अकाउंट में जो हम बैंक में राशि जमा करते हैं उसकी भी जानकारी भरनी होगी, और हम जो सीसीएल अकाउंट से लोन लेते, हमारे जितने भी मेंबर लोन लेते उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पर भरनी होगी। इसलिए हमें अब एसएचजी पर सीसीएल अकाउंट की भी जानकारी यहाँ पर ऐड करना है। अभी तक हमारे केवल सेविंग अकाउंट ऐड होते थे, लेकिन अब हमें सीसीएल अकाउंट भी ऐड करना है, अगर से सीसीएल खाता खुल चुका है तो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएचजी के 3 डॉट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एसएचजी प्रोफाइल मिल जाएगी, और बैंक डिटेल जो कि 2nd नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबसे नीचे में आपको प्लस का अकाउंट मिलता है, जहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालने की सारे इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे कि ऊपर में एसएचजी का नाम आ गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2nd ऑप्शन मिलता है अकाउंट नंबर का, और दूसरा री टाइप अकाउंट नंबर, यानी कि एक बार हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, फिर दूसरी बार हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, हमें सीसीएल अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट जो कि पासबुक में लिखी होती है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डालना है जो कि पासबुक में होता है। इसके बाद नीचे में आपका बैंक नेम, बैंक नेम आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका बैंक है, या फिर ऊपर में सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप बैंक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टेट बैंक यहाँ पर आ गया, इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ब्रांच को आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहां पर जो है वो है अकाउंट टाइप वाला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको यहां पर सेविंग वाला मिल रहा है, दूसरा आपको यहां पर सीसीएल वाला ऑप्शन मिल रहा है, और तीसरा यहां पर कॉम्बो अकाउंट सेविंग प्लस सीसीएल। तो ये 3 ऑप्शन में से मेन आपको क्या करना है, सीसीएल वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर सीसीएल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पासबुक की फ़ोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। कैप्चर करने के लिए आपके पास यहाँ पर टैग फ़ोटो का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आप पासबुक का फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सबसे नीचे में आपको सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये सारा डाटा सेव करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर सीसीएल अकाउंट की जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी फ़ोटो ले लिया, यहाँ पर सेटअप प्राइमरी, इसको आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले से हमारा एक सेविंग अकाउंट यहाँ पर है। नीचे में आपको सेव का ऑप्शन आ जाता है, इसे आप सेव कर देंगे तो आपका सीसीएल अकाउंट सेव हो जाएगा, और जब आप ट्रांजेक्शन की जानकारी भरेंगे माई मीटिंग वाले ऑप्शन में तो वहाँ पर आपको सीसीएल अकाउंट भी दिखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को अपने साथियों में शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।